हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे की। तो देखिए, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज टू डायमेंशनल एरे के बारे में कुछ और डीप डिस्कशन करते हैं कि मेमोरी में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज़ कीजिए, मान लीजिए हमने कहा कि कोई हमारे पास एम इंटू एन एरे है, ठीक है। हमने कहा कि लेट ए इज ए टू डायमेंशनल एम इंटू एन एरे है। इसका मतलब एम रोज हो गए और एन कॉलम्स हो गए, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ ए कंटेन्स द इंडेक्स सेट 1 to m। तो जो ये जो पहला डायमेंशन है, ये इंडेक्स सेट हो जाएगा आपका 1, 2, 3 से लेकर और m तक, ठीक, विद लोअर बाउंड 1 एंड अपर बाउंड m। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड हो गया 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका अपर बाउंड जो हो गया वो हो गया m, ठीक। ये तो हो गया इसका फर्स्ट डायमेंशन, यानी इस एरे का जो है ये हो गया फर्स्ट डायमेंशन। अब टू डायमेंशन यानी अब सेकेंड डायमेंशन की जब हम बात करेंगे, तो जो सेकेंड डायमेंशन है हमारा, ठीक है, वो हो गया 1, 2, 3 से कहाँ तक जा रहा है, एन तक। तो इसका लोअर बाउंड हो गया 1 और अपर बाउंड हो गया एन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि द लेंथ ऑफ ए डायमेंशन इज द नंबर ऑफ इंटीजर इन इट्स इंडेक्स सेट। तो किसी भी डायमेंशन की जो लेंथ होगी, जैसे फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ कितनी हो गई m, और सेकेंड डायमेंशन की लेंथ हो गई n, जितने नंबर ऑफ इंटीजर उसके इंडेक्स सेट में होंगे। द पेयर ऑफ लेंथ m इंटू n या m बाई n इज कॉल्ड द साइज ऑफ द एरे। तो इस तरह से जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर पूछा जाए कि साइज ऑफ द एरे क्या हुआ, तो साइज ऑफ द एरे हो गया m इंटू n, या इसको m बाई n भी आप बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दे अलाउ 1 टू डिफाइन मल्टी डायमेंशनल एरेज इन विच द लोअर बाउंड्स आर नॉट 1। अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपका लोअर बाउंड जो है ये 1 हो, ठीक है। तो उस तरह की एरे को जिसमें लोअर बाउंड 1 नहीं होता है, सच एरेज आर समटाइम्स कॉल्ड नॉन रेगुलर। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉन रेगुलर एरे का मतलब क्या होता है, नॉन रेगुलर एरे मतलब कि लोअर बाउंड जो है इज नॉट इक्वल टू 1, वो 1 से नहीं स्टार्ट होता है, ठीक। इस तरह की एरेज को नॉन रेगुलर एरे कहते हैं। हाउएवर द इंडेक्स सेट फॉर ईच डायमेंशन स्टिल कंसिस्ट ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फ्रॉम द लोअर बाउंड टू द अपर बाउंड ऑफ द डायमेंशन। हालांकि इंटीजर सेट जो है वो वैसे ही रहता है। द लेंथ ऑफ गिवन डायमेंशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉर्मूला। तो इस केस में जो हम लेंथ निकालेंगे किसी भी एरे की, वो ऐसे आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो नॉन रेगुलर एरे के केस में अगर आपको लेंथ निकालनी होगी, तो आप ऐसे निकालेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी एरे में अनटिल अनलेस की इट इज़ नॉट स्टेटेड अदरवाइज, जब तक कि आपको अलग से मेंशन ना किया गया हो कि दिस इज़ ए नॉन रेगुलर एरे, अगर केवल एरे लिखा हुआ है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट दैट इज़ ए रेगुलर एरे विद लोअर बाउंड इज इक्वल टू 1। तो अगर नॉन रेगुलर एरे नहीं मेंशन है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो रेगुलर एरे है और उसका लोअर बाउंड 1 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग मल्टी डायमेंशनल एरे। हर प्रोग्रामिंग का मल्टी डायमेंशनल एरे को डिफाइन करने का अपना रूल होता है, अपना सिंटैक्स होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने कहा, एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताएं, सपोज कीजिए हमारे पास डाटा नाम की कोई एरे है, ठीक है, टू डायमेंशनल एरे है और 4 बाई 8 की, ठीक।
और 4 बाई 8 की, और इसमें जो डेटा है वो डेटा है रियल टाइम। ठीक, तो ये एरे है हमारे पास। अब इस एरे को जैसे हम फोरट्रॉन में या PL1 में या पास्कल में जब डिक्लेयर करेंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि किस लैंग्वेज में इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जब फोरट्रॉन में आप इस एरे को डिक्लेयर करेंगे तो आप फोरट्रॉन लैंग्वेज में इस एरे को डिक्लेयर करने के लिए कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे रियल, फिर आप यहाँ लिखेंगे एरे का नाम, फिर आप इसको लिख देंगे 4,8। ये हो गया फोरट्रॉन में। जब PL1 लैंग्वेज में आपको इसको लिखना है तो क्या होगा? डिक्लेयर फिर हम लिखेंगे एरे का नाम डाटा, फिर हमने लिखा या लिख दिया फ्लोट। ठीक है, उसके बाद फिर मान लीजिए अगर हमें पास्कल में लिखना है एरे को डिक्लेयर करना है तो पास्कल के केस में जब इसको डिक्लेयर करना होगा तो हम लिखेंगे VAR, या हमने लिखा डाटा, फिर हम लिखेंगे एरे, वन फोर तक लिखा हमने, फिर कॉमा 1,8 तक लिखा, और यहाँ पे लिख दिया हमने ऑफ रियल। तो ये दो तीन लैंग्वेज का हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे को आप इस तरह से अलग अलग ढंग से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि देखिए इन तीनों में क्या है, आप ये देखिए कि पास्कल इंक्लूड्स द लोअर बाउंड्स इवन दो दे आर वन। देखिए यहाँ पे पास्कल ने लोअर बाउंड 1, ये 1 मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ना भी मेंशन करते हैं 4,8 लिखते तब भी वो 1, 2, 3, 4 से ही शुरू होता, लेकिन पास्कल में इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लोअर बाउंड 1 से और अपर बाउंड 4 तक हो गया पहला डायमेंशन, फिर लोअर बाउंड 1 से अपर आपका अपर बाउंड 8 हो गया सेकेंड डायमेंशन। तो इस तरह से आप अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक दो चीज और एक दो पॉइंट्स और नोट करने लायक है, वो आप देखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर एबल टू डिक्लेयर नॉन रेगुलर एरेज। नॉन रेगुलर अभी हमने आपको बताया था जिसमें लोअर बाउंड जो है 1 नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर एबल टू डिक्लेयर नॉन रेगुलर एरेज यूजली यूज ए कॉलन टू सेपरेट द लोअर बाउंड फ्रॉम द अपर बाउंड इन ईच डायमेंशन वाइल यूजिंग ए कॉमा टू सेपरेट द डायमेंशंस। तो अब ये देखिए ध्यान, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आप नॉन रेगुलर एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, नॉन रेगुलर एरे, जब इसको आप डिक्लेयर करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप इस तरह करेंगे, जैसे मान लीजिए आप सपोज कीजिए आप फोरट्रॉन में कर रहे हैं, फोरट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप इस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे इंटीजर। ठीक, फिर आप यहाँ लिखेंगे एरे का नाम, तो मान लीजिए नाम है नम, NUMB, ये एरे का नाम हो गया। फिर आप 2,5, मतलब ये पहले डायमेंशन का लोअर बाउंड 2 हुआ अपर बाउंड 5 हुआ, यानी 2, 3, 4, 5, 4 ये हो गए। फिर पहले डायमेंशन और दूसरे डायमेंशन को सेपरेट करने के लिए यहाँ आप लगाएंगे कॉमा ऐसे, और फिर आपने यहाँ पे लिखा -3,1। ठीक, इस तरह से आप डिक्री, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर एक मल्टी डायमेंशन टू डायमेंशनल एरे है इंटीजर टाइप की। हियर द इंडेक्स सेट ऑफ डायमेंशन कंसिस्ट ऑफ, तो अब ये जो डायमेंशन का इंडेक्स सेट ये तो हो गया 2, 3, 4, 5, और ये इंडेक्स सेट हो गया आपका -3, -2, -1, 0, 1। क्लियर? तो अब जब लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो पहले डायमेंशन की यहाँ पे हम बात करें लेंथ ऑफ
फर्स्ट डायमेंशन कितना हो जाएगा, अपर बाउंड कितना है 5 माइनस लोअर बाउंड कितना है 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 5, 2 में 3 और 1 4। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेकेंड डायमेंशन, तो अपर बाउंड कितना है 1 माइनस लोअर बाउंड कितना है माइनस 3 प्लस 1, कितना आएगा 3 और 1 4 और 1 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नम टोटल यानी नम में, यानी आप लिख सकते हैं नम कंटेन्स 4 × 5, 4 × या 4 × ऐसे भी आप लिख सकते हैं 5, मतलब इसमें टोटल 20 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 डायमेंशनल एरे को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसमें हमने आपको रेगुलर एरे के बारे में भी बता दिया और नॉन रेगुलर एरे के बारे में बता दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि 2 डायमेंशनल एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।